भैया नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम भगवान सिंह पवार है और मैं एक्सेस डेवलपमेंट सर्विस से आया हूँ। आपका परिचय देंगे आप? देंगे। क्या नाम है आपका? भगवान सिंह चौहान। वो कहाँ के रहने वाले हो आप? चाटूखेड़ा। चाटूखेड़ा के रहने वाले हो। अभी आपने क्या लगाया खेत में? ये गेहूँ। गेहूँ लगाया है? किस विधि से लगाया आपने गेहूँ? नई विधि से लगाया आपने? नई विधि से। भैया आपने ये जो नई विधि से गेहूँ लगाया है, किस प्रकार से नई विधि है, मतलब ये नई विधि क्यों है? ये पहले तो हमारे गांव में फेंकते थे। अच्छे अच्छे। और अब दूसरी विधि से हो रहा है, थोड़ा अच्छी दूसरी भी इसलिए अच्छे हो। मतलब आपने दूर दूर दाने डाले हैं? दूर दूर दाने। अच्छा, इसलिए अच्छा दिख रहा है, मतलब थोड़ा दूर दूर। भैया आपने जो ये गेहूँ लगाया है, इसमें सामान क्या क्या लगा आपने? क्या क्या सामान लगा इसमें? गेहूँ एक तो गेहूँ लगा। गेहूँ हाँ। और सीडली में दो खन अलग अलग है। अच्छा, दो अलग अलग टाइप के थे मतलब वो? एक तो खाद का। अच्छा, एक खाद गेहूँ का। खाद मतलब उसमें साथ में नहीं मिलाया? नहीं मिलाया। खाद अलग और गेहूँ अलग? गेहूँ अलग। अच्छा, तो उससे क्या होता है, वो खाद दूसरी जगह में डलता है और वो गेहूँ अलग जगह में? अलग अलग। ये खाद इसमें साथ में क्यों नहीं डालते, उससे क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? वो सड़ जाते हैं थोड़ा। अच्छा, उगते नहीं है। गेहूँ के दाने सड़ जाते हैं खाद कहीं कहीं के, तो इसलिए खाद को हमेशा अलग ही डालना चाहिए। अलग डालना। इसमें आपने ये गेहूँ हो रहा है, इसमें क्या क्या मतलब कैसी प्रक्रिया आपने, कैसे बो रहा आपने इसे? पहले तो इसे हाँ का। हाँ। पहले रेल के। हाँ। पहले रेलने के पहले हाँक दिया। अच्छा, खेत की मतलब जुताई कर दी आपने? जुताई कर दी। कहीं से? ट्रैक्टर से की? ट्रैक्टर से। अच्छा, ट्रैक्टर से जुताई कर दी। हाँ। फिर किया ओढ़ने के बाद? हाँ। फिर एड़ा होगा। हाँ। फिर ऊपर से ट्रैक्टर दौड़ा दिया। अच्छा, पहले ही साथ में मतलब ट्रैक्टर? हाँ। निकाल दिया साथ में ही, जब ये गेहूँ नहीं होगा उससे पहले? उससे पहले। फिर गेहूँ उसके बाद में हो रहा होगा ना आपने के पहले? उसके बाद में। अच्छा, पहले ट्रैक्टर निकाला, फिर उसके बाद गेहूँ हो रहा? तो फिर अब फिर उसके बाद पानी कब दिया आपने, कितने दिन बाद दिया? पानी दिया 15 दिन बाद। फिर उसके उगने के मतलब ओढ़ने के 15 दिन बाद पानी दिया? ओढ़ने के 15 दिन। इसमें जो आपने वो 15 दिन बाद पानी दिया, अगर पानी अगर नहीं मिले 15 दिन बाद, तो उससे दिक्कत है क्या कुछ? दिक्कत है, उसमें पानी मिलना जरूरी है। 15 दिन बाद पानी मिलना जरूरी है? हाँ। क्यों मिलना जरूरी है? वो क्या उगते हैं ना, जब वो क्या हो जाता है, सूख जाता है। अच्छा, वो मतलब ऐसे हो जाते हैं, वो बड़े नहीं हो पाते? बड़े नहीं हो पाते वो खाद की वजह से। अच्छा, इसमें अपने सावधानी क्या क्या रखी, क्या ध्यान रखना पड़ता है? इसमें वो एड़ा की सावधानी रखना पड़ता है, मतलब जो खरपतवार उगता है, खरपतवार सबसे पहले पानी देने के बाद जो खरपतवार उगता है, फिर ट्रैक्टर निकालना पड़ता है। अच्छा, ट्रैक्टर जरूरी है वो, है ना? हाँ। फिर उसके बाद क्या ध्यान रखा? खाद नहीं मिलाना पड़ता है साथ में, जो खाद आता है वो नहीं मिलाना पड़ता है, उससे दिक्कत है। क्या दिक्कत है? उससे दिक्कत ये है कि पानी जल्दी मांगता है, पानी जल्दी, और अगर पानी नहीं मिले तो? पानी नहीं मिले तो गेहूँ बिगड़ जाता है, तो बीज खराब हो सकता है उससे अपना। और फिर उसके बाद क्या ध्यान रखा आपने? उसके बाद ये पानी टाइम से देना पड़ता है। अच्छा, जब ये उगता रहता है, अंकुरित होता रहता है, तब पानी जरूरी है इसके लिए? इसलिए जरूरी पानी। इससे अपने जो शेड्यूल से आपने जो हो रहा है नई विधि के तहत, इससे लाभ क्या है, मतलब क्या फ़ायदा है इसके? इससे फ़ायदा है, जो अपन फेंकते हैं ना। हाँ। तो उससे ये ऊपर रह जाता है गोम, ये गोड़ इसका। अच्छा, मतलब जो ये पौधा पौधा होता है ना, इसका गोड़ ऊपर रह जाता है, तो हवा वगैरह चलती है ना। हाँ। तो ये इसमें टूट जाता है, मतलब इसकी जड़ें ज़्यादा नीचे नहीं जा पाती। हाँ। और शेड्यूल से क्या, नीचे शेड्यूल से मजबूत रहता है, तो मजबूत पौधा रहता है। वो मजबूत पौधा रहने से अपने क्या फ़ायदा है? और उससे ये फ़ायदा है कि वो पानी वगैरह भी डाला नहीं अपन। हाँ। तो उनमें भी दिक्कत नहीं, आड़ा नहीं पड़े यूँ भी। अच्छा, अगर अपन ऊपर फेंक के अगर पानी डाला तो वो जड़ जो ऊपर रहे। हाँ। तो गिर जानी चाहिए, गिर जानी चाहिए। अच्छा, तो इससे ये लाभ है अपने। इससे और क्या लाभ है अपने? इससे लाभ है कि अपन सीडिल से ओढ़ने के बाद में जो ट्रैक्टर खुल जाता ना। हाँ। तो ये एड़ा का लाभ है, ये नहीं उगता। अच्छा, मतलब खेत की एक और बार से सफाई हो जाती है, बक्कर जैसा हो जाता है, साफ हो जाता है, साफ। भैया इसके बारे में आप किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये है कि कभी भी किसान भाइयों को ये फेंक के नहीं बोना चाहिए बीज। अच्छा, बीज फेंक के नहीं डालना चाहिए, सीडिल वगैरह से बोना चाहिए। सभी किसान भाइयों से ये निवेदन है कि गेहूँ वगैरह कुछ भी हो, फेंक के नहीं बोइए, सीडिल से या फिर नई से कुछ से भी, और उन्हें अंदर डालो बीज। सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि फेंक के नहीं हो रहे गेहूँ को, सीडिल से या नई से कुछ से भी हो रहे, अंदर डाले इनको, जब ही अच्छा तरक्की पाएगा। ऊपर फेंकने से क्या नुकसान होता है अपन को, कि ये जड़ ऊपर आ जाती है ना, तो सभी गेहूँ आड़े पड़ जाते हैं, दिक्कत आती है।
इससे अपने को नुकसान है, इसलिए सभी अच्छी तरह हो रहे हैं। भैया आपने हमें और हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद।